बोलो भाई बोलो इधर आओ बोलो 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 भाई 2007 जुमे का दिन था, मुसलमान नमाज में मसरूफ थे, हिंदू दहशत गर्दों की जानिब से बम धमाके किए गए जिसमें कई मुसलमान शहीद हो गए, 500 जख्मी हो गए। उसके बाद नहते मुसलमान जो एहतजाज करने लगे तो पुलिस में मौजूद संगी टोला अंधाधुन फायरिंग करके कई मुसलमानों को शहीद कर दिए। इसके बाद पुलिस फायरिंग में भी मुसलमान, बम धमाके में भी मुसलमान शहीद हुए। फिर पुलिस 100 से ज़्यादा मुसलमानों को गिरफ्तार करके सख्त अजियत दी उनको जो। उसके बाद देखे इतना मारने के बावजूद भी ये लोग नहीं करे हुए हैं, एक झूठे केस में बुक कर दिए। लेकिन हेमंत करकरे परसिंहपुर को गिरफ्तार करे बाद जो मुस्लिम मस्जिदों में और जो है पूरे देश में जो बम धमाके करे, हिंदू दहशतगर्द गिरफ्तार हुए। इस्मानंद वो इकबाल भी करा जज के सामने खुबूला के हम बम धमाके करे तो उसको उन्हें बच नहीं सकता, लेकिन उन्हें इकबाल करने के बावजूद भी उसको जो है छोड़ दिया गया। जो अगर बम धमाके उन्होंने करे तो कौन करे बम धमाके? गिरफ्तार करो ना किसी को भी, कोई भी बम धमाके नहीं करे, खुद ही फट गए। ये हिंदू दहशतगर्द सारे मुल्क में बम धमाके करे, हमारी डिमांड है इनको फौरी गिरफ्तार करके इनको जो है सख्त से सख्त सजा दी जाए। दरसगाह जादो शहादत की डिमांड है। और NIA के चीफ कौन है? अजीत डोवल, मोदी के करीबी आदमी। ऐसे लोग केस चलाए, 226 गवाह होने के बावजूद ये दहशतगर्द बरी हो गए। अगर एक भी गवाह होता कि हाँ हम देखे ये दहशतगर्द तो सजा होती थी। लेकिन देख के बेटे आगे जाके आगे के